हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक प्रॉब्लम, जिसमें आपको ये बताया गया है कि एक डेक है 52 प्लेइंग कार्ड्स का और उसमें से आपको कोई भी रैंडमली 5 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। अब ये 5 कार्ड्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि इन 5 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड किंग होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए ये जो 52 कार्ड्स है इनमें किंग्स कितने होते हैं, इनमें 4 किंग्स होते हैं और बाकी 48 कार्ड्स में से कोई किंग नहीं होता। तो हमें 5 कार्ड्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि एक एग्जैक्टली एक किंग चाहिए हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 कार्ड्स की सिलेक्शन ऐसे होगी कि 4 कार्ड्स तो 48 कार्ड्स में से सेलेक्ट होंगे और बाकी एक बचा हुआ कार्ड जो किंग होना है वो इन 4 किंग्स में से सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारी जो सिलेक्शन है वो 2 सिलेक्शंस में फर्दर कन्वर्ट हो गई है। पहली सिलेक्शन 48 कार्ड्स में से कोई भी रैंडमली 4 कार्ड्स सेलेक्ट करो, ये कितने तरीके से हो सकती है, 48C4। और उसके बाद जो दूसरी सिलेक्शन है कि 4 किंग्स में से कोई एक कार्ड या एक किंग सेलेक्ट करो, ये कितने तरीके से हो सकती है, 4C1। तो जो हमारी सिलेक्शन है वो 2 सिलेक्शंस में डिवाइड हो गई है और इनके अपने अपने तरीके हैं। तो जो सिलेक्शन है 5 कार्ड्स के होने की वो कितने तरीके से हो सकती है, इन दोनों सिलेक्शंस के जो वेज हैं, जो तरीके हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब आप आउट ऑफ 52 कार्ड्स 5 कार्ड्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 48C4 मल्टीप्लाइड बाय 4C1।